शेयर बाजार में एक्टिव रहने वाला हर कोई व्यक्ति ब्लैक फ्राइडे और थैंक्सगिविंग डे के बारे में जान गया होगा, क्योंकि पिछले कारोबारी सप्ताह में अमेरिका के शेयर बाजार एक दिन बंद और दूसरे दिन हाफ डे काम कर रहे थे। लेकिन शेयर बाजार के उलट इकोनॉमी और बिजनेस को लेकर जबरदस्त रिपोर्ट सामने आई है। हुआ यूं कि अमेरिका में रिकॉर्ड महंगाई के बावजूद अमेरिकन्स ने जमकर खरीदारी यानी शॉपिंग की। शॉपिंग का आंकड़ा अगर आप भी सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। ये आंकड़ा करीब 74,000 करोड़ रुपए के आसपास का है। तो जनाब, जब कुबेर जैसा धन बाजार में आया है तो आप भी ये जानना चाहेंगे कि आखिर अमेरिकी बाजार में क्या क्या बिका और लोगों ने क्या क्या खरीदा। तो चलिए इस रिपोर्ट की तह तक चलते हैं। अमेरिका में महंगाई अपने चरम पर है, तभी तो वहाँ की फेडरल बैंक समय समय पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी करता रहता है। ऐसे में जब ये सुनने को मिले कि अमेरिकी जनता दिल और जेब दोनों खोलकर शॉपिंग पर पैसे लुटा रही है तो सभी को ये बात सुनने में अटपटा लगेगा। लेकिन अमेरिकन्स कंज्यूमर ने अमेरिका की बढ़ती महंगाई का डटकर सामना किया है, तभी तो इस ब्लैक फ्राइडे पर ऑनलाइन सामान खरीदने के लिए 74,000 करोड़ से ज़्यादा का खर्च किया गया। ये खर्च अब तक का रिकॉर्ड खर्च माना जा रहा है। जब लोगों को इस सेल में बम्पर छूट मिली तो लोगों ने बाजार में मिल रही भारी छूट का खूब फायदा उठाया। अमेरिकी कंज्यूमर स्मार्टफोन से लेकर खिलौने खरीदने में पीछे नहीं रहे। बता दें, पिछले साल ब्लैक फ्राइडे सेल पर नज़ारा कुछ अलग था। पिछले साल लोग कोरोना और उससे जुड़े तमाम परेशानियों से जूझ रहे थे, लेकिन इस साल ज़्यादा खुदरा यानी रिटेल वेंडर्स ने अपने दुकानों को खोला, जिसके वजह से भी लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग के साथ साथ ऑफलाइन मोड में शॉपिंग की। एडोब इंक के डेटा के मुताबिक पिछले साल यानी 2021 के मुकाबले सेल्स में 19.7% की उछाल देखने को मिला, और आगे भी उम्मीद की जा रही है कि आने वाले महीनों में फेस्टिवल है जिसमें लोग फिर से बढ़ चढ़ कर खरीदारी करेंगे। अब अमेरिका में ब्लैक फ्राइडे सेल के आंकड़ों से उत्साहित यहाँ के बिजनेसमैन भी सेल शुरू कर रहे हैं, यानी आपको भी अपने देश में अमेरिका जैसा सेल देखने को मिल सकेगा और आप भी बम्पर छूट का फायदा उठा सकेंगे। लेकिन जाते जाते ब्लैक फ्राइडे क्या होता है और इसका इतिहास क्या है, ये जान लीजिए। ब्लैक फ्राइडे अमेरिका द्वारा थैंक्सगिविंग मनाने के एक दिन बाद मनाया जाता है। हालांकि अब दुनिया भर में बाकी सभी लोग ब्लैक फ्राइडे मनाने लगे हैं, लेकिन इस दिन आमतौर पर स्टोर्स बहुत जल्दी खुल जाते हैं। कभी कभी तो आधी रात से ही स्टोर्स खुल जाते हैं और लोगों की लंबी लाइन स्टोर्स के बाहर लग जाती है। बता दें, ब्लैक फ्राइडे के नाम को लेकर भी कई तरह के मिथ्स हैं। कई लोगों का मानना है कि ब्लैक फ्राइडे का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि रिटेल दुकानदारों को भारी छूट देना पड़ता है जिससे उनका नुकसान होता है। अब ब्लैक फ्राइडे की शुरुआत कब से हुई ये भी जान लीजिए। कई बिजनेस ओनर्स ने साल 1961 से ही बिग फ्राइडे का नाम देने की कोशिश की, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। लेकिन साल 1985 में पूरे अमेरिका में ब्लैक फ्राइडे ने जब फिर से खूब पॉपुलैरिटी गेन की तब ये सुर्खियों में आया। हालांकि साल 2013 के बाद ब्लैक फ्राइडे को दुनिया भर में धूमधाम से मनाया जाने लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तक।